अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमने मनी प्लांट की बेल को जो हमारी टूट गई है उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है। इसके अंदर जो पीले पत्ते लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये टूट गई थी। अब हमने इसको दोबारा से लगाना है। इसके पीले पत्ते जितने भी हम इसको निकाल देंगे और जो फालतू लगे हुए हैं यानी कचरा है, ठीक है, ये एक बड़ी सी बेल थी, ये हमने इसके सारे फालतू पत्ते इससे अलग कर दिए। अब हमने इसको देखना है किधर किधर से हमने इसको काटना है। हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना बड़ी सी बेल को। वैसे तो हम इसको अभी भी लगाएंगे तो ये उग जाएगी, लेकिन इसको हमने छोटे टुकड़ों में कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी और बहुत सारी बन जाएंगी बेलें, फिर हम इसको अलग अलग जगह लगा सकते हैं। हम इसके 3-4 टुकड़े कर लेंगे ताकि इसको उगाने में आसानी हो जाए हमारे लिए। इसे हमने देख के करना है, जैसे कि हम इसको जो पत्ते आ जाए जिस साइड है उस साइड से हम इसको काट लेंगे। उसकी जो रूट्स हैं इसको ख्याल रखना है, इसको किसी ने नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसको लाजमी लेना है, इसको अगर ये पानी में डूबा रहेगा तो यहाँ से जल्दी उगने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर एक बोतल में आपने साफ़ पानी भरना है मीठा, उसके अंदर आपने इसको टुकड़ों को तमाम को डाल देना है। का ख्याल करना है अपने पत्ते और ये आखिरी का ये जो है ना रूट्स, इसकी ये इसको तोड़ना नहीं है, इसको इससे ही जो है जल्दी उग जाएंगी ये दोबारा से। हम तमाम ये जितने टुकड़े हमने इसके काट लिए थे इसको दोबारा से इसको पानी में डुबो देंगे। मैंने एक ही बोतल में लगाया है, अगर आपके पास और बोतलें हों तो अलग अलग भी आप लगा सकते हैं। अब ये हमारी जो है तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद की वीडियो, अब आप देख सकते हैं इसके एकदम पत्ते सारे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इसमें आपको अगर नज़र आ रही हो इसके अंदर नई रूट्स निकल चुकी हैं। ये पानी मैंने इसमें पानी भी और नहीं डाला, बस जो उस दिन डाला था उसी दिन का पानी इसमें रखा हुआ है, बस को हमने रख दिया था। ये आप देख सकते हैं पत्ते सारे वापस से इनमें जान आ गई, ये उठ चुके हैं। अब जिसमें देखेंगे जिस जिसके अंदर रूट्स निकल गई हैं उसको हम प्लांट कर देंगे। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर रूट्स आ गई हैं। ये देख रहे हैं पत्ता भी एक निकल रहा है इसके अंदर नया, इससे हमें पता लग रहा है कि बेल में जान है थोड़ी। अब हम इसको निकालेंगे, जो हमें सबसे अच्छा लगेगा उसको प्लांट कर लेंगे जिसमें ज़्यादा रूट्स होंगी। ये जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं दिखा देते हैं अभी, ये इसके अंदर एक नई निकली है, इसमें एक पत्ता भी निकल रहा है जिससे पता लग रहा है ये चल जाएगी अगर इसको लगाएंगे तो। ये नया पत्ता निकल रहा है इसमें, लेकिन फिलहाल हम इसको पानी में रखते हैं ताकि वो पत्ता निकल जाए। इसमें भी जैसे आपको नज़र आ रही है दो और निकल गई हैं रूट्स, ये भी चल जाएगी अगर इसको हम मिट्टी में लगा देंगे गमले में किसी में। इसको फिलहाल हमने दोबारा पानी में डाल दिया ताकि और इसके अंदर पत्ते निकल जाएं या और इसकी रूट्स बड़ी हो जाएं। हम इसको ये वाला है देखें, जैसे कि ये इसके अंदर पत्ते भी ज़्यादा थे हमने इसको काट के जब लगाया था, और इसकी रूट्स भी अच्छी खासी लग रही हैं। ये देखिए आप, ये नई निकली हैं, ये दो तीन नज़र आ रही है ना वाइट कलर की, ये
इसको हम प्लांट कर सकते हैं किसी भी मिट्टी में। ये जो बाकी जो बची हैं इसको, इसके अंदर अभी नई निकली है लेकिन इसके पत्ते जान नज़र आ रही है पत्तों में, ये रूट चल जाएगी। इसको वापस पानी में लगा दिए ताकि इसकी रूट्स निकल जाए। अब जो ये वाली है इसको हम गमले में किसी में लगाएंगे। ये आपने बस थोड़ा सा इसमें खड्डा करना है और इसको मिट्टी में दबा देना है। इसको अच्छे तरीके से दबाना है ताकि बाहर नहीं निकल जाए, इसकी जड़ें अंदर रहें सारी रूट्स इसकी। हवा लगेगी तो ये ख़त्म हो जाएगी दोबारा। मिट्टी नरम लेनी है आपने, थोड़ी इसमें खाद होनी चाहिए। और इसको फिर ये पत्तों की सारी पत्तों का जो फेस है वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि अगर रोशनी उल्टी तरफ से लगती है तो पत्ते जल जाते हैं इसके अंदर। और इसमें अब आप पानी डाल देंगे, इसको जितना पानी देंगे उतनी बेल ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। इसको पानी दे दिया हमने, अब इसको किसी रोशनी वाली जगह पे रख देंगे, ज़रूरी नहीं है धूप रहे, वैसे इसको रोशनी में रखते हैं बस।